स्टार्ट। है एवरीवन, दिस इज सीए आपका सक्सेना। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मतलब आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, कितना नहीं करता है, और आर्टिकलशिप में जाने से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और कैसे चूज़ करना है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं सीए बनने के बाद। सीए बनने के बाद डाउट रखने से अच्छा है पहले ही क्लियर कर लिए जाएँ, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तब। तो सबसे पहले जो तीन डाउट्स हैं, वो तीन डाउट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला डाउट ये है कि हमें कौन सी, हम टायर थ्री में रहते हैं, टायर थ्री सिटी में रहते हैं, तो हम टायर थ्री सिटी में ही आर्टिकलशिप देखें या टायर वन सिटी में जाएं। दूसरा डाउट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है। तीसरा डाउट है डमी कर लें क्या सर। अच्छा, तीसरा ये डाउट है आपका, तो इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी, तो बच्चों आपका पहला डाउट ये है कि हम सर थ्री टायर सिटी में हैं, फॉर एग्जांपल भोपाल में हैं, और हमको टायर वन सिटी में क्या जाके आर्टिकलशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कई बच्चों का ये होता है कि हम टायर थ्री में सर हम नहीं जा सकते हैं टायर वन में, तो हम क्या करें। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात होती है, क्या आप टायर वन सिटी में जा रहे हो तो आपको कौन सी फर्म्स चूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप टायर वन में जा रहे हो ना, तो छोटी फर्म्स नहीं देखेंगे हम, फिर बड़ी वन फर्म्स की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 20 में आती हैं जो, या बिग फोर्स की बात करेंगे। तो उसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बिग फोर में जाते हो तो आप एक तो अपने चीज़ में ध्यान रख लो कि आपको पास होने के बाद जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर जॉब करना है तो इट्स मतलब इट्स गुड टू गो इन बिग फोर एंड आप बाद में जॉब कर लो। अब बात आती है, सर मैं बिग फोर में तो गया, लेकिन बिग फोर में क्या होगा, आपको वो एक फील्ड में, जनरली वो एक फील्ड में रखेंगे, फिर आप स्विच जनरली नहीं कर सकते हो। ठीक है, जनरल टर्म से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे, आप अपने मैनेजर से बात करो तो वो स्विच करने दे, बट जनरली नहीं करने देते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में गए, ठीक है, आपको लग रहा है मेरे लिए ऑडिट अच्छा नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो टैक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, मेरे को कंसल्टेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो फिर आप क्या करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रख के जाना है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि जब जॉब लगने वाली होती है, तो जॉब लगने वाली होती है तो ऑब्वियसली अगर आप बिग फोर से हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और इवन मैंने ये भी देखा है कुछ बच्चे 7-7 अटेम्प्ट्स के बाद भी बिग फोर से होते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है। और एक आध बच्चे मैंने ये भी देख लिया कि 3 अटैम्प्ट हो गए और बिग फोर से थे, लेकिन तो भी जॉब इतने आसानी से नहीं लगी। उसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ आ जाती है आपका, क्या आ जाता है वहाँ पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, दूसरी चीज़ आ जाता है आपका रिज्यूमे, आपने जो लिखा है वो आप बता पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे होते हैं, सर हम तो नहीं जा सकते, हमें टायर थ्री सिटी में रहना है, हम अपनी फैमिली को अभी तो नहीं छोड़ सकते, हमें फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। तो टायर थ्री में अगर रह रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़े नाम से नहीं जाना, बड़े काम से जाना जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी टायर थ्री सिटी में जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको बहुत सारी फील्ड का काम सीखने को मिल जाए, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, चाहे वो बीट एनीथिंग, बट ये हो कि आपको और फील्ड का काम मिल जाए। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे कि वो जब मैं इंटरव्यू ले रहा तो मैंने ये देखा कि यार उनका एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने बोला सिर्फ बैंक ऑडिट किया है। गाइस, आपने बैंक ऑडिट किया है तो आपको ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज तो लेना नहीं चाहेंगी, फिर आपको बैंक्स में ही जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो भूल जाना। ठीक है, और वहाँ भी बात आ जाती है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने टायर थ्री सिटी से किया लेकिन क्या हमें जॉब मिल पाएगी। बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं मिलेगी यार, मैं भी टायर थ्री सिटी से हूँ, मैं भोपाल से आर्टिकलशिप किया लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा, और मतलब ध्यान तो नहीं रखा था क्योंकि मुझे बताने वाला कोई था नहीं, बट मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया था और मेरा रिज्यूमे स्ट्रांग हो गया था, इसलिए मेरे को जॉब मिलने में आसानी हुई। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आई, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात पर जाते हैं, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। गाइज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है जिनको सीए बनने के बाद जॉब करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको इंडस्ट्रीज़ में जाना है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। 2 साल होने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है 1 साल का, जनरली कुछ कुछ में 9 मंथ्स का होता है। तो आप कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि ये आपको कुछ नया सीखना है, ये नहीं कि मतलब बैठे हुए हो सिर्फ नाम के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ भी कराती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, लेकिन क्या एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिल पाता है बच्चे को, फिर वो बाद में रिग्रेट करता है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि इंस्टीट्यूट भी लिस्ट निकालता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी कंपनीज़
इंडस्ट्री, उस पर जाके सजेस्ट करो, वहाँ अपना देखो और वहाँ जाके अपना CV डालो और वहाँ से आपको कॉल आएगा, तो जाके फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओ। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे हम तो डमी कर लेंगे सर, हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो 3 साल बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे। बेटा 3 साल पढ़ लेना और उसके बाद अगले 3 साल और पढ़ लेना, क्योंकि जो आर्टिकलशिप में जो सीखता है ना बच्चा, वो ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अब तो इंस्टीट्यूट वो करने वाला, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको जज करेगा और फाइनल देने से पहले जो आपको एग्ज़ाम देना है ना, उसमें आर्टिकलशिप का ही पूछा जाएगा। तो डमी के चक्कर में ना आप ये मत सोच लेना कि यार 3 साल बहुत मेहनत करेंगे और CA निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि भैया डमी करने के बाद कौन कौन फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल के दिखाया है, बहुत ही बहुत मतलब नेग्लिजिबल परसेंटेज है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया हो। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बोझ हो जाता है कि मैंने आर्टिकलशिप नहीं करी, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अब मान लो आप चलो आर्टिकलशिप नहीं करी, अब CA बन गए, अब क्या करोगे, किसके पास जाओगे, मुँह दिखाने लायक बचोगे, बिल्कुल नहीं बचोगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि डमी तो करना ही नहीं है, भले ही मेरी बैंड बच जाए आर्टिकलशिप में, लेकिन मुझे डमी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि जब मैंने ये लोगों को देखा जिन लोगों ने डमी करी है ना, फिर वो पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप CA बनने के बाद किस किस से पूछोगे, ठीक है आपके साथ वाले उनसे पूछ लोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होता है। वो गिल्ट को हटाने के लिए ना डमी से तो हट जाना और ये बात बोलना सोचना छोड़ देना कि आप डमी हो तो CA बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्सनल सजेशन है, कुछ सीखना है, कुछ आपको अगर जीवन में करना है, तो आर्टिकलशिप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, CA बनने के बाद शायद मान लोगे। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि अगर आप कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाते हो जॉब करने के लिए, तो वहाँ आपको काम सिखाया जाता है। पहले ये मत समझना कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता या फिर उस फील्ड का मैंने किया नहीं है तो मुझे वो कंपनी सिलेक्ट ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। वो भी समझते हैं कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने आर्टिकलशिप करी है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जल्द क्विक लर्नर हो, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जिनको प्रैक्टिस करना है भाई, उनको तो आर्टिकलशिप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे तो करोगे कैसे, है ना। तो ये 3 जो मेजर पॉइंट होते हैं ना बच्चे का IPCC के बाद निकलने के बाद कि हम आर्टिकलशिप में क्या करें, ये 3 मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।